जनरली लॉन्च इवेंट्स में मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन टेक्नोलॉजी इवेंट जो होते हैं उधर जाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि आपको फ्यूचर दिखता है कि टेक में क्या क्या होने वाला है। और उसी लिए दोस्तों मैं, इनफैक्ट मेरी पूरी टीम, इरशाद आया था, साजिद आया था, हम वीवो टेक डे गए थे, एंड उधर हमने बेसिकली देखा कि क्या होने वाला है आने वाले सालों में, जैसे 6G के बारे में। जी हाँ, 6G कब आ रहा है, फोन पे 5G तो हो गया, सब बात हो गया, लेकिन 6G के बारे में, AI के नए नए फीचर्स जो होने वाले हैं, वो कैमरा में क्या क्या एडवांसमेंट्स होने वाले हैं। और मैं एक बात बताऊं आपको, मैंने जो देखा उधर दोस्तों, इट रियली लेफ्ट मी सरप्राइज। सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। हमने एक्चुअली जाके ये टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस की, और सबसे बड़ी बात, वीवो के 10 साल हो गए हैं दोस्तों इंडिया में, एंड इस 10 ईयर्स में उन्होंने क्या अचीव किया, एंड लोकलाइजेशन यानी कितनी चीजें वो वीवो के फोन में मेड इन इंडिया होती है, इनके बारे में भी बताया। तो सब कुछ बताने वाला हूं, पूरा वीडियो देखिए, एंड तक देखिए। लेकिन सबसे पहले जब हमने एंटर किया दोस्तों, यू नो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स। एक तो ब्रीफिंग था सबसे पहले, जहां पे उन्होंने कहा कि भाई हाँ, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 में 6G के ऊपर काम चालू होने वाला है। इसका मतलब अगले 1-1.5-2 सालों में हमें 6G के वीवो के फोन्स देखने मिलेंगे, सो दैट इज गुड। उसके बाद में हमने AI के बारे में बात की, बहुत सारे फीचर्स। अब जैसे वीवो V40 लॉन्च होने वाला है, उसमें आपको AI के बहुत सारे फीचर्स देखने वाले हैं। उनमें से कुछ कुछ फीचर्स उन्होंने उधर भी दिखाए, ग्रुप सेल्फी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि भाई फेसेस वगैरह हैं, क्लियर फेस, ये सब चीजें जो है वो है, नोट्स, ट्रांसक्रिप्ट, समरी, ये सब चीजें जो है वो सब अब आपको वीवो के फोन्स में दिखने वाली है। और एक बड़ी बात है दोस्तों, ये सब जो फीचर्स लेके आ रहे हैं, ये गूगल के कोलैबोरेशन में वीवो लेके आ रहा है। इनफैक्ट X Fold 3 Pro जो मैं इस्तेमाल करता हूं, उसमें भी बहुत सारे फीचर्स हैं, एंड अपडेट्स के द्वारा भी ये फीचर्स आने वाले हैं। दूसरा जो था ना, दैट सीरियसली मुझे बहुत मजा आया देखने में। यस, एक्चुअल हमने ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, जो ग्लास वगैरह होता है, शॉर्ट सेंसेशन हम कहते हैं जनरली हमारे वीडियोस में, अनबॉक्सिंग में, लेकिन आपको पता है ये शॉर्ट सेंसेशन बहुत 100, 150, 130, 140 साल पुरानी कंपनी है। इनफैक्ट प्लेन्स के जो विंडोज वगैरह होते हैं वो भी वो मैन्युफैक्चर करते हैं, एंड बहुत सारे सप्लायर्स को देते हैं। सो दे आर अ वेरी ओल्ड कंपनी, जनरली हम शॉर्ट के बारे में ज्यादा जानते नहीं है, बट उधर हमने देखा। इनफैक्ट एक उन्होंने ग्लास दिखाया शॉर्ट सेंसेशन अल्फा, 2 मीटर मतलब कुछ 7 फीट की ऊंचाई से उन्होंने स्टील बॉल गिराया, 2-3 बार गिरा, और हमें वो ग्लास दिखाया जो आपके फोन्स में शॉर्ट सेंसेशन प्रोटेक्शन जो आता है, एंड नथिंग हैपेंड। इनफैक्ट बाहर एंट्री पे ही एक पिनबॉल का मशीन भी था, जहां पे वो स्टील बॉल से आप ग्लास के ऊपर मारते हो, फिर भी कुछ नहीं होता है। आई हैड फन प्लेइंग। हमने UTG अल्ट्रा थिन ग्लास जो फोल्डेबल फोन पे आती है, फॉर एग्जांपल व्हिच इज देयर ऑन X Fold 3 Pro, इतनी पतली होती है कि आपकी जो हेयर का स्ट्रैंड है उससे भी पतला, 30 माइक्रोमीटर वो पतला है आपके हेयर के डायमीटर से भी। सो एंड उन्होंने फोल्ड करके कंप्लीट दिखाया कंटिन्यूअसली। आई मीन ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इट इज अ ग्लास, इट इज नॉट प्लास्टिक, इट इज अ ग्लास, एंड कंप्लीटली फोल्ड किया, ओपन किया, फोल्ड किया। Wow. सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि पूरी तरह से फोल्ड करने के बाद जब स्ट्रेट होता है तो क्रीज बिल्कुल नहीं दिखी। सो आगे वाले जो फोल्डेबल फोन्स आने वाले हैं, अभी भी थोड़ी बहुत क्रीज समझिए इधर दिखती है, आगे वाले फोन्स में यू विल नॉट सी एनी क्रीज, फ्लैट डिस्प्ले होने वाला है। इंटरेस्टिंगली दोस्तों, आईकू का भी बूथ था, ऑब्वियसली आईकू सब ब्रांड है वीवो का, 200 वॉट का चार्जर दिखाया, एंड लिटरली हमारे सामने उन्होंने चार्ज वगैरह किया, जो शायद मुझे लगता है 2-2.5 मिनट में 25% वगैरह कुछ हुआ था, सो इट वॉज चार्जिंग वेरी फास्ट। तो आईकू का शायद 200 वॉट चार्जर वाला स्मार्टफोन आ रहा है। और साथ में उधर सुपर कंप्यूटिंग Q1 चिप्स दिखाई, जो बेसिकली स्मार्टफोन में आप जब गेम्स खेल रहे हो तो उसका फायदा होता है, गेमिंग बहुत ही स्मूथ होती है क्योंकि वो फ्रेम इंटरपोलेशन करते हैं, सो दैट वॉज ऑल्सो देयर। सो आईकू इज ऑल्सो डूइंग सम इंटरेस्टिंग स्टफ देयर, उन्होंने दिखाया उधर वो। दोस्तों मैं कैमरा के बारे में बताने वाला हूँ, मैंने जो देखा कैमरा क्लैरिटी, मतलब मैं तो ऐसे कहूंगा DSLR से आगे चला गया, उसके बारे में बात करेंगे, बट क्विकली लोकलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। अगेन लोकलाइजेशन यानी इंडिया में बहुत सारी चीजें जो आपके फोन्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो एडाप्टर है, जी हाँ, इंडिया में वो बनता है। उसके बाद में फ्रेम, बैटरी, बहुत सारी, इनफैक्ट आई थिंक मोर देन 40% जो चीजें हैं वो इधर ही लोकलाइज हो रही है ऑन वीवो फोन्स, विच अगेन इज अ गुड थिंग। इवन जो पैकेजिंग वगैरह है, जब हम अनबॉक्स करते हैं, बॉक्स खोलते हैं, उधर भी हमने बात की दोस्तों, जब आप ओपन करते हो बॉक्स को, यू नो कितने सेकेंड्स में, उन्होंने कहा कि 3 सेकेंड्स में बॉक्स खुलना चाहिए। सो ये सब चीजें जो होती है बहुत प्रेसिजन चीजें होती है, देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड रिसर्च जाती है जो भी चीजें करते हैं। सो यू नो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है, बट उसके पीछे बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं, वो हमने उधर देखे दोस्तों, एंड नाउ इट इज लोकलाइज्ड इन इंडिया, विच इज अ गुड थिंग। वैसे वीवो ने बताया कि उन्होंने कुछ 30 इंडियन सप्लायर्स के साथ पार्टनरशिप की है, और जैसे मटेरियल्स बहुत सारी चीजें लोकलाइज हो रही है, ये जो फोन्स के ऑप्टिमाइजेशंस है, कैमरा में भी जो भी फीचर्स वगैरह आ रहे हैं, मेड स्पेसिफिकली इंडियंस के लिए, मतलब इंडियंस को, जैसे वेडिंग फोटोग्राफी जैसे एक फीचर आया हुआ है, ये इंडिया में ही इतना ज्यादा होता है, और उसके लिए उन्होंने स्पेसिफिकली ये फीचर डेवलप किया है। इनफैक्ट हमने और एक चीज सुनी उधर, वीवो सोनिक साउंड, मतलब वो जो म्यूजिक है, आपको अभी वो रिंगटोन्स वगैरह
मेरे में आ जाएगा, बट यू नो वी हर्ड दैट विच इज कम्प्लीटली इंडियनाइज, मतलब उसमें तबला वगैरह है, ढोल वगैरह है, ऑल दैट थिंग, जब आप सुनते हो Vivox सोनिक साउंड, आई हैड लॉट ऑफ फन डूइंग दैट। बट मेरे लिए सबसे ज्यादा एक्साइटिंग था कैमरा, कैमरा क्या होने वाला है अगले एक साल में, डेढ़ साल में। हम कैमरास के बारे में बहुत सारी चीजें, हमने जो उनके लोग आए थे ग्लोबल आए हुए थे, इनफैक्ट कैमरा का जो प्रोडक्ट हेड थे जो कैमरा डेवलप करते हैं, हमने उनके साथ बात की, उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, कुछ कुछ चीजें मैं नहीं बता सकता हूँ, बट आई विल टेल यू व्हाट द फ्यूचर ऑफ कैमरास, DSLR नहीं लगेंगे दोस्तों। हमने अभी भी जो अल्ट्रा, उनका X100 अल्ट्रा था, उसके ऊपर कुछ फोटोज देखे, जो ऑब्वियसली आपको इसी साल वीवो के कुछ फोन्स में आपको पता चलने वाला है, आने वाले हैं वो फीचर्स। आई मीन क्लैरिटी, अल्ट्रा HD पोर्ट्रेट हमने एक निकाला, जो क्लैरिटी यू डोंट गेट इट इन DSLRs एज वेल, मतलब बहुत क्लोजअप मेरा एक आंखों का निकाला, एंड उधर मेरे जो आई लैशेस है उनके बेस है वो भी क्लियरली दिख रहा है, स्किन में हर एक चीज इतनी क्लियर दिख रही है, आई मीन आई वॉज रियली सरप्राइज। इवन लो लाइट परफॉर्मेंस, मतलब एक जगह थी जहां पे पूरा अंधेरा था और अंदर एक स्ट्रक्चर रखा हुआ था उन्होंने, 3 लक्स लाइटिंग थी, मतलब नियरली डार्कनेस था, फिर भी जो फोटो निकला एंड जो क्लैरिटी आई उस स्ट्रक्चर की, वाओ, आई मीन आई वॉज रियली इंप्रेस्ड। और ये आने वाले हैं वीवो के फोन्स में इसी साल, ये सब फीचर्स आई एम वेटिंग फॉर इट, मतलब वीवो इज रियली वर्किंग हार्ड ऑन कैमराज, इतना मैं डेफिनेटली कहूँ। और ये जो वीवो ने ज़ाइस के साथ पार्टनरशिप की है ना, ये बहुत डीप पार्टनरशिप है, मतलब अलग अलग पोर्ट्रेट मोड्स होते हैं उनके, जैसे बायोटार है, सोनार है, बी स्पीड है, ये सब अलग अलग हमने ट्राई किए। आई मीन जो पोर्ट्रेट्स आते हैं, जो बोके वगैरह अलग अलग टाइप का आपको मिलता है, I mean you cannot even do it on a DSLR. और एक चीज, T-star coating का भी हमने डेमो देखा उधर, मतलब T-star coating इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, I mean जो flares वगैरह आते हैं जब आपके सामने, कैमरा के सामने लाइट सोर्स हो और जब आप फोटो निकाल रहे हो, you know you get those flares, और वो जो पूरा फोटो होता है वो ठीक तरह से आता नहीं है, but with T-star completely निकल जाता है। That's fantastic. So, जो चीज मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगी वो था कैमरा एडवांसमेंट। हमने X80 के साथ उसे कंपेयर किया जो लो लाइट फोटोज वगैरह निकाले, एंड X100 अल्ट्रा में जो लीप ली हुई है क्वालिटी के मामले में, दैट इज क्रेजी। मतलब टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है, एक्साइटिंग टाइम साइड, मैं ऐसे इवेंट्स जाके देख के क्या क्या चल रहा है ये देख के जब आता हूँ ना, आई फील इवन मोर एनर्जेटिक कि भाई स्मार्टफोन्स आर चेंजिंग, मतलब AI, वेदर इट इज कैमरा, फोटोग्राफी, ड्यूरेबिलिटी, सभी मामले में वीवो टेक डे में हमने देखा कि लीप्स एंड बाउंड से आगे हो रहा है, एंड वो भी बहुत ही फास्ट पेस से। और इसीलिए मुझे लगता है कि फोन्स, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं अभी यू नो बोरिंग हो गए, नहीं, मेरे हिसाब से वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। यही हमने देखा वीवो टेक डे में। कैसा लगा वीडियो दोस्तों? अगर अच्छा लगा लाइक जरूर कीजिएगा, और वीवो फैंस के साथ शेयर करना मत भूलिए। एंड ऑब्वियसली दोस्तों ये जो वीडियो बनाया हुआ है वो वीवो के कोलैबोरेशन में बनाया हुआ है, लेकिन जो भी मैंने कहा ऑब्वियसली जो हमने देखा एक्सपीरियंस किया वही था। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।